सो है गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में यार ये बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया हमें एसेंचर का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, तो एसेंचर का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो यार एसेंचर ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप में से यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसेंचर का पेपर दिया था 2019 से लेकर 2022 बैच तक की जो ओपनिंग्स निकली थी, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एसेंचर का पेपर दिया था लेकिन उनको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आज जो है वो एसेंचर ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, और उसमें यार बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मेल नहीं मिला है तो आपको भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ के लोग हुए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था लेकिन बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और मोस्टली जो बच्चे हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं एसेंचर का जो रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है उसमें। तो यार आपको अगर रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा, और इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन तो उसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उसमें, ठीक है, और जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही कम लोगों का हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बैचेस में ही आते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, और जल्द से जल्द आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा अपने एसेंचर का। और अगर आप तक अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कंपनीज हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।